हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एल लेंथ का एक कंडक्टर लेते हैं। इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वी। तो जब भी कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है। तो इस एल लेंथ के कंडक्टर पर वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर आई करंट फ्लो होती है। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? पोटेंशियल अपॉन में करंट। ओके, तो ये एक पहला पॉइंट है। अब हम सेम इसी लेंथ के एल लेंथ का ही एक और कंडक्टर लेते हैं। तो एल लेंथ का कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इस लेंथ का एक और कंडक्टर हम इसके आगे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये बी सी, ये लेंथ भी एल है। अब हमें पता है कि इन ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं कि करंट आई फ्लो होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं। तो हमें ए और बी के बीच में वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा ताकि ए और बी के बीच में कौन सी करंट फ्लो करे, आई। तो हमें बी और सी के बीच में भी कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, वी, क्योंकि बी और सी भी सेम लेंथ का कंडक्टर है। हमें इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाना होगा ताकि इसमें करंट आई फ्लो हो। तो दोनों के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। इसका मतलब हमने कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, 2 वोल्ट। भाई ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 2V। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वी। और बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वी। ओके, तो हम यहां हम देखते हैं कि इस पूरी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां रेजिस्टेंस हम लिखते हैं आर डैश। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी प्लस वी इक्वल टू 2V। टोटल करंट अपॉन में आई, तो आर डैश 2। वी अपॉन आई कितना था, आर। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इस केस में हमने लेंथ डबल की थी, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया है। ओके, तो हमें यहां से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ये पहला पॉइंट। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ये देखते हैं। उसी सेम मटेरियल का एल लेंथ का कंडक्टर लेते हैं लेकिन उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं a/2। उसी सेम लेंथ का हम एक कंडक्टर लेते हैं लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं a/2। दो कंडक्टर लिए और दोनों को इस हिसाब से हमने कंबाइंड कर दिया, इस मैनर में हमने कंबाइंड कर दिया। अब ए पॉइंट ये भी, बी पॉइंट ये भी एल लेंथ का कंडक्टर, अगर टोटल एरिया देखा जाए तो ए, अगर हम इसके अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इसमें टोटल में कितनी करंट फ्लो होगी, आई। और ये जो आई करंट होगी ये दोनों कंडक्टर में इक्वली डिवाइड हो जाएगी क्योंकि सेम मटेरियल के दोनों कंडक्टर हैं, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। अब हम अगर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखें आर डैश, तो कितना होगा, वोल्टेज कितनी है, वी। ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी। करंट कितना, आई बाय टू, तो कितना आया, 2V/I, 2R। इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर हमने किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को कम किया तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जब क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये है सेकंड रिलेशन और ये है फर्स्ट रिलेशन। तो अभी हमने देखा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बदलेगा, वेरी करेगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। मटेरियल बदलेगा तो भी उसका रेजिस्टेंस बदलेगा। जैसे अगर कोई कंडक्टर सिल्वर का है और अब अगर वो अब बन जाता है कॉपर का, तो मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, और डायमेंशंस चेंज होगी तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो डायमेंशंस पर
जैसे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, जैसे दो कंडक्टर हैं, दोनों ही कॉपर के हैं लेकिन डायमेंशन अलग अलग है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, नेचर ऑफ मटेरियल सेम रहेगा, तब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब प्रपोर्शन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी, इस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है, यहां पर रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट है, लेकिन रेजिस्टिविटी तब कॉन्स्टेंट है जब टेम्परेचर एंड नेचर क्या रहता है, सेम रहता है। अगर टेम्परेचर और मटेरियल का नेचर सेम रहता है तभी ये कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहां पर रो एक ऐसी क्वांटिटी है जो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, चार चीजों पर, लेंथ एरिया या कह सकते हैं डायमेंशन और टेम्परेचर एंड नेचर। लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर और नेचर पर ही डिपेंड करती है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। अगर एक कंडक्टर हो, उसकी लेंथ यूनिट हो और क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट हो, मतलब वन हो, तो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 meter एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 meter square, तो यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो यहां पर लिखेंगे तो कोई कंडक्टर जिसका लेंथ यूनिट है, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट है, तो उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। तो यहां पर हम इसकी लिखेंगे एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, तो उसके लिए हमें रेजिस्टिविटी को सेपरेट करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आर ए बाय एल। तो आर से क्या बना, ओम, एरिया से मीटर स्क्वायर, लेंथ से मीटर, तो बना ओम मल्टीप्लाई मीटर, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ ओम इंटू मीटर। ये डैश है, डैश का साइन नहीं, ये माइनस नहीं है, ओम इंटू मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, उसके बाद एक पॉइंट आता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक सिल्वर की रिंग बनाते हैं, ठीक है, सिल्वर की रिंग बनाते हैं, और एक इसी सिल्वर की हम एक रॉड बनाते हैं, दोनों के अंदर डायमेंशंस अलग है, तो डायमेंशन अलग है, दोनों मटेरियल सेम है और सेम टेम्परेचर पर हम इनकी बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल और टेम्परेचर भी सेम, लेकिन दोनों की डायमेंशंस अलग है, इसलिए दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। इसका रेजिस्टेंस होगा R1 और इसका रेजिस्टेंस होगा R2। दोनों मटेरियल सेम है लेकिन डायमेंशन अलग है, इसलिए रेजिस्टेंस अलग है, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर, इसकी भी 1.6 × 10⁸ ओम मीटर होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर। रेजिस्टिविटी कंडक्टर पर डिपेंड, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। अगर ये कॉपर के होता, ये सिल्वर का होता, तो रेजिस्टिविटी चेंज होती, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, या हम लिख सकते हैं अनदर फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, हमें लेक्चर नंबर 14 में आप देखिएगा, हमने ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया है, तो उसके अंदर
V upon I equal to R, हमने प्रूव किया है ML upon NE square A2. तो रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, मास एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये होता है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का. लेकिन हमें पता है रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए. तो हम इन दोनों फॉर्मूले को कंबाइन या इक्वेट कर सकते हैं. इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करने पर ये इक्वेट कर दिए, L by A से L by A कैंसिल, तो रो का हमारे पास फॉर्मूला आया M N E स्क्वायर 2. तो ये जो है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, रिलैक्सेशन टाइम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.